नमस्कार साथियों, आपका हमारी YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर उड़ान सैनिटरी नैपकिन की एंट्री, जिसमें रिसीव एंट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री है, वो किस प्रकार करनी है, और एक बार एंट्री करने के बाद पहले यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन एंट्री में कोई संशोधन आप नहीं कर पाते थे, अब उसका संशोधन भी आप कर सकते हैं, तो किस प्रकार कर सकते हैं, उसको लेकर भी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए, और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको साला दर्पण का जो पेज है इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको विद्यालय स्कूल वाला नज़र आता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो अलग अलग आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन जो उड़ान योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं बालिकाओं को, उसके लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो यहाँ पर देखिए उड़ान नैपकिन रिसीविंग डिटेल्स, यानी कि जो आप उड़ान नैपकिन प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, उनकी डिटेल की एंट्री आपको यहाँ पर करनी होती है। और दूसरा यहाँ पर उड़ान नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री आपको यहाँ करनी होती है। तो साथियों, में पूरी जानकारी आपको उसमें देने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो आपको देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उड़ान नैपकिन रिसीविंग डिटेल, यानी कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उससे पहले आपको जो उड़ान नैपकिन आपको मिले हैं उसकी रिसीव डिटेल आपको फिल करनी होगी, उसके बाद ही आप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहले आपको रिसीविंग डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर नीचे कुछ जानकारी नज़र आएगी। यहाँ पर देखिए अति महत्वपूर्ण एंट्री शुरू करने से पूर्व ध्यान से पढ़े, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी नज़र आती हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो देखिए एक बार नोट आप अच्छे से पढ़ लें कि करे आदेश, यानी कि जो PO अनुसार विद्यालय को आवंटित सैनिटरी नैपकिन की सूचना यहाँ दिखाई जा रही है, सर्वप्रथम आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहे PO नंबर का मिलान करें और एंट्री हेतु करें आदेश नंबर पर क्लिक करें। देखिए साथियों, यहाँ पर PO ऑर्डर नेम आपको मिल जाते हैं। ये PO ऑर्डर नंबर हैं, यानी कि ये आपको मिलते हैं, वो जो आपको रिसिप्ट दे के आते हैं उसमें ये चीज़ मेंशन होती हैं। PO ऑर्डर डेट मेंशन होती हैं और डिलीवरी शेड्यूल भी आपको उसमें मिल जाता है कि एक नंबर है 2022-23 का है या एक नंबर 2023-24 का है। इस प्रकार डिलीवरी शेड्यूल भी उसमें लिखा होता है। और ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है, यानी कि नैपकिन कितने हैं, यहाँ पर नैपकिन आपको नैपकिन मिलेंगे ना कि पैकेट संख्या मिलेगी। तो आपको यहाँ पर जो पैकेट में एक पैकेट में 6 नैपकिन होते हैं तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर मिलती है। सप्लायर का नाम भी आपको मिल जाता है। और देखो यहाँ पर PO ऑर्डर वेरिफिकेशन स्टेटस बाय CBO के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाता है। देखो यहाँ ऊपर आप देख सकेंगे कि दिखाए गए करे आदेश नंबर और विद्यालय में फर्म की आपूर्ति डिलीवरी चालान से करे आदेश नंबर का मिलान कर ले, यानी कि आपकी जो यहाँ पर डिटेल दे रखी हैं और उस जो रिसिप्ट में डिटेल दे रखी है उसका आपको मिलान करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो रिसिप्ट ले रहे हैं और यहाँ पर PO डेट अलग है या PO चालान नंबर अलग है तो उसका आप एक बार मिलान अच्छे से कर ले। इसके बाद देखिए, जिसके बाद जिस करे आदेश के एवज में आप सैनिटरी नैपकिन की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस प्राप्त सैनिटरी नैपकिन की संख्या और दिनांक का इंद्राज कर डाटा सेव करें, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको सैनिटरी नैपकिन की संख्या की एंट्री करनी है ना कि पैकेट की संख्या की। तो ये ध्यान दें, आपको यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन की एंट्री करनी है, पैकेट की नहीं। एक पैकेट में 6 सैनिटरी नैपकिन होते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनकी नैपकिन की संख्या की एंट्री यहाँ पर करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जिस करे आदेश यानी कि PO की प्राप्ति की एंट्री का इंद्राज आप सारा दर्पण पर करना चाहते हैं, उसका वेरिफिकेशन जब तक CBO कार्यालय द्वारा EOSD पोर्टल पर नहीं किया जाता तब तक आप प्राप्ति सारा दर्पण पर सेव नहीं कर सकते। यानी कि आप ध्यान दें, CBO द्वारा इसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। अगर CBO इसका वेरिफिकेशन कर देते तो आप सारा दर्पण पर एंट्री कर सकते हैं, अगर CBO द्वारा वेरिफिकेशन नहीं किया जाता तो आप एंट्री नहीं कर सकते। जब तक संबंधित विद्यालय साला दर्पण पर प्राप्ति का इंतजार नहीं कर देता तब तक बालिकाओं को ऑनलाइन सैनिटरी नैपकिन का वितरण प्रारंभ नहीं कर सकता, अतः पहले प्राप्ति की एंट्री सुनिश्चित करें। यानी कि आपको पहले रिसीव डेट फिल करनी है, उसके बाद ही आपको वितरण शुरू करना है, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। अब साथियों, यहाँ पर ध्यान दें कि एक बार संपूर्ण एंट्री कर सेव करने के पश्चात आप इसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे, अतः आश्वस्त होने के बाद ही एंट्री सेव करना सुनिश्चित करें। तो साथियों, मैं आपको बता दूँ कि अब यहाँ पर आप जो है एंट्री कर रहे हैं उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो प्रॉपर दोबारा आपके लिए बनाया है कि पहले यहाँ पर ये होता था कि एक बार आपने एंट्री कर दी तो एंट्री आप चेंज नहीं कर पाते
रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आप एंट्री चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए तो साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं पूरे पीओ ऑर्डर्स की। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो डिलीवरी शेड्यूल है 3/22/23 का, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये हमें 13 फरवरी 2023 को प्राप्त हुआ था और 288 हैं नेपकिन हमें मिले थे। तो देखिए इसी पीओ ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है, जो ब्लू लाइन में आपको नज़र आते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नीचे आपको चलना है, सबसे पहले यहाँ पर रिसीव्ड एंट्री आपको करनी है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप अपनी रिसिप्ट से इसका मिलान अवश्य कर लें। यहाँ पर देखिए जो ऑर्डर क्वांटिटी नेपकिन से वो यहाँ पर दिखाई देंगे, सी भी वेरीफाइड नेपकिन से वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और देखिए टोटल रिसीव क्वांटिटी नेपकिन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अब देखिए लास्ट रिसीव डेट यानी कि रिसीव डेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिस तारीख को आप रिसीव कर रहे हैं ले रहे हैं उस तारीख भी आपको मिल जाएगी। लेस पेंडिंग क्वान्टिटी इन नेपकिन, अगर आपके पास नेपकिन की पेंडिंग है तो वो भी आपको नज़र आ जाती है। देखिए पीओ ऑर्डर डेट आप अच्छे से चेक कर लें, सप्लाई नेम आप अच्छे से चेक कर लें, ओस डी आई डी आप अच्छे से चेक कर लें, अपने विद्यालय का नाम भी आप यहां पर चेक कर लें। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है, देखिए डेट ऑन विच रिसीव इन स्कूल यानी कि आपने विद्यालय में कब रिसीव किया, तो वो डेट आपको यहां पर मिलती हैं, और देखिए टोटल नेपकिन इन रिसीव इन स्कूल ऑन दिस डे यानी कि कितने आपको नेपकिन मिले वो भी यहाँ पर मिलते हैं। अब साथियों यहाँ पर देखेंगे आप जो डेट हैं उसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि डेट यहाँ पर गलत फील हो चुकी हैं, गलत डेट हमने भर दी है, तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता था, एक बार आपने यहाँ पर जो डेट डाल दी तो आप उसमें यहाँ पर चेंजेज नहीं कर पाते थे, तो अभी फ़िलहाल ये स्थिति है कि आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। अब साथियों बात है अगर दोबारा आप प्राप्त कर रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको दोबारा का ऑप्शन मिल जाता है, देखिए पहले ये ऑप्शन भी आपको नहीं मिलता था, एक बार ही ऑप्शन आपको मिलता था और एक बार ही आप एंट्री यहाँ पर कर पाते थे, अब आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं देखिए, और नेपकिन की संख्या भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि आपने जो रिसीव किए हैं वो सही किए हैं या गलत रिसीव किए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल की स्थिति के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ जो साला दर्पण पोर्टल पर चालू हैं। इसके बाद देखिए साथियों जैसे आपने ये जो मैं आपको बता रहा था जो 3 नंबर का है, देखिए 3 नंबर जो 23/22/23 का है, उसको मैं अब आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री है वो भी आपको करके बता देता हूँ। तो देखिए साथियों आपने रिसीव डिटेल कंप्लीट चेक कर ली है, इसके बाद देखिए उड़ान नेपकिन डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री आपको करनी है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नोट नज़र आता है, देखिए विद्यालय के लिए नेपकिन सप्लाई ऑर्डर की डिटेल यहाँ दर्शाई जा रही है, आपको इस मॉड्यूल में लॉगिन विद्यालय के कक्षावार विद्यार्थियों की सूची दर्शाई जाएगी, इसमें आप विद्यार्थियों को वितरित सैनिटरी नेपकिन की डिटेल भर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको शेड्यूल नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर शेड्यूल नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नीचे की स्थिति नज़र आएगी, देखिए ये जो भी स्थिति है ये आपको यहाँ पर शेड्यूल नंबर के अकॉर्डिंग ही नज़र आएगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर शेड्यूल आपको कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर है 22/23 का, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 2 नंबर है 22/23 का, इसी प्रकार देखिए 3 नंबर है 22/23 का, और 1 नंबर 23/24 का भी शुरू हो चुका है यानी कि इसकी आपको प्राप्ति हो चुकी है, तो आप अलग अलग की यहाँ पर जो है शेड्यूल नंबर नज़र आते हैं। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर जैसे मैं बात कर लेता हूँ 3 नंबर हैं 22/23 का, तो इसी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो वही देखिए यहाँ पर आपको कक्षाएं नज़र आ जाएगी, यहाँ पर सेक्शन नज़र आ जाएंगे, टोटल गर्ल्स स्टूडेंट आपको नज़र आ जाएंगे, नंबर ऑफ नेपकिन भी आपको नज़र आ जाएंगे। अब देखिए जैसे आप उनको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कर चुके हैं पहले देखिए, अब यहाँ तो इसके बाद देखिए आपको जैसे यहाँ पर कक्षा पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी डिटेल खुल जाती है, नीचे आप देखेंगे कक्षा की पूरी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। अब सबसे पहले यहाँ पर पूरी डिटेल वही है जो आपने रिसीव डिटेल में फिल की है। अब इसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन डेट आप देख लें कि आपने कब रिसीव किया था, उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर लास्ट रिसीव डेट 7 अगस्त हैं, तो उसके बाद आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल आप कौन सी तारीख को कर रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर जो भी किया है वो तारीख मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब देखिए आपको तारीख मैंने सेट कर दी है, इसके बाद गो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपने यहाँ पर पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, यानी कि मैंने यहाँ पर पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, सभी स्टूडेंट का नाम यहाँ पर नज़र आ जाएगा, फादर नेम DOB आपको नज़र आ जाएगी, नंबर ऑफ नेपकिन, यहाँ पर नेपकिन की संख्या आपको भरनी है, यहाँ पर पैकेट की संख्या आपको नहीं भरनी है, 1 महीने में 2 पैकेट आपको देने हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेपकिन की संख्या आपने यहाँ पर फिल कर दी। अब मान लीजिए
देखिए साथियों, आपके यहाँ पर पहले तो ये सिस्टम था कि एक बार आपने नैपकिन की एंट्री कर ली तो यहाँ पर आप कोई चेंजेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने नैपकिन की संख्या यहाँ पर गलत भर दी तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर टिक बॉक्स नज़र आ रहा है, अगर आपको एक स्टूडेंट की अपडेट करनी है तो उसके सिर्फ एक पे ही आप टिक कर दें। अगर आपको पूरे की करनी है तो यहाँ पर पूरे वाले चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करते हैं तो यहाँ पर अब आप चेंजेज कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर चेंजेज आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर जो है कुछ और करना है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 30 करना है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको 36 ही रखना है, तो मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। तो इस प्रकार आप यहाँ पर संख्या चेंज करके और नीचे आपको सेव का बटन नज़र आता है, सेव पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सेव सक्सेसफुली आपको बता देगा। तो इस प्रकार अगर आप यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आसानी से इस प्रकार अपडेट हो जाता है। और जिन साथियों को नई रूप से इसकी एंट्री करनी है तो भी आसानी से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ नैपकिन की संख्या फिल करनी है सभी स्टूडेंट के। आप आसानी से यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन डेट यहाँ पर एंट्री करनी होती है। तो इस प्रकार आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, और अभी फिलहाल यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन भी दे रखा है, आप अपडेट भी आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर उड़ान नैपकिन के तहत आपको जो रिसीव करना है, इसी में आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है किस प्रकार करना है। और काफ़ी सारे साथियों के पिछले जो वीडियो था उड़ान नैपकिन का, उसमें कमेंट थे कि सर चेंज किस प्रकार करें, हमारे गलती हो चुकी है। तो अब यहाँ पर चेंज का ऑप्शन भी अभी फिलहाल आपके चालू है, तो आप कोई सा भी जो भी PO ऑर्डर है उसको आप यहाँ से, अगर आपकी गलती रह चुकी है तो उसको अपडेट भी आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी उड़ान नैपकिन को लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।